नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे फोन रिकॉर्डिंग के बारे में। देश में एक मुद्दा बड़ा ही तेजी से उभर कर सामने आया था, जिसमें इस बात की चर्चा हो रही थी कि मोबाइल फ़ोन में हो रहे कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे बंद किया जाए, या हम यूं कहें कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो रहे बातचीत का गलत इस्तेमाल भी कई बार किया गया, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन से इस पूरे सिस्टम को बंद करने की बात सामने आने लगी। हालांकि अभी भी कई ऐसे फ़ोन हैं जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा मौजूद है, लेकिन अब जो नए फ़ोन सामने आ रहे हैं उसमें यह सुविधा सीधे तौर पर नहीं मिलती है। बता दें कि नए फ़ोन में जब आप फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को सुनाई देगा कि आप बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर रहा है तो उससे आप कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन कॉल के दौरान कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं जिससे कि इस बात की जानकारी हो जाती है कि मेरा फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, या कहें कि कुछ इस तरह की जानकारी मिलती है जिससे कि यह पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। इस तरह की घटनाओं पर ज़रा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यह हमारे और आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती है और हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। आज तक पर छपी एक खबर की माने तो किसी भी व्यक्ति का बिना पूछे कॉल रिकॉर्ड करना अवैध है, गलत है। आपको बता दें कि हमारे पास पुराने जितने भी फ़ोन हैं उन सभी में इस तरह की सुविधा पहले से ही मिलती है, लेकिन अब जो बाज़ार में फ़ोन नए आने लगे हैं, या कहें कि पिछले कुछ सालों से जो फ़ोन बाज़ार में आने लगे हैं, उसमें अब फ़ोन रिकॉर्डिंग की जो सुविधा है वो ऑन करने पर एक आवाज़ सुनाई देगी, वो बीप की होगी या फिर उसमें सुनाई देगा कि आपका फ़ोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हों और इस तरह की आवाज़ सुनाई दे तो आपको संभल जाना चाहिए, या कहें कि उस समय आप फ़ोन काट कर फिर से फ़ोन करें और इस बात की पड़ताल कर लें कि आपका फ़ोन कॉल जो है वह व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो नए फ़ोन बाज़ार में आ गए हैं उसमें गूगल के साथ ही कई कंपनियों द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग को रिमूव करवा सकते हैं या फिर किया भी जा रहा है। बता दें कि गूगल के बाद ट्रूकॉलर ने भी अपने प्लेटफॉर्म से कॉल रिकॉर्डिंग का स्विच हटा दिया है या फिर बंद कर दिया है। फ़ोन रिकॉर्डिंग की ज़्यादातर सुविधा गूगल डॉलर के साथ साथ आपको मिलता है, लेकिन अब कोई भी कंपनी ने इस ऑप्शन को बंद कर दिया है। अभी भी कई ऐसे फ़ोन हैं जिसमें कि फ़ोन रिकॉर्डिंग की सुविधा मौजूद है। ऐसे में जब कभी आपको किसी से बात करते हुए इस बात का भान हो कि हमारा फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ऊपर से बताए गए सारी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी बिना मर्जी का फ़ोन कॉल कोई रिकॉर्ड ना कर सके, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि वो जो है अब गलत है, अवैध है। तो इस तरह से हम गलत तरीके से फ़ोन रिकॉर्ड किए जाने के तरीक़ों से जो है हम बच सकते हैं और हमारी प्राइवेसी को भी जो है हनन नहीं होगा। तो ये थे फ़ोन रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।